समग्र गंगा से जुड़े हुए आप सभी गंगा पुत्रों से मेरा आह्वान होगा कि मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की संख्या इस समग्र गंगा के राष्ट्रीय महासमागम में सर्वाधिक है और 7 राज्यों की उपस्थिति आज के इस कार्यक्रम में यहां पर हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश की भूमिका इसमें बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि मां गंगा और यमुना का जो सर्वाधिक प्रवाह क्षेत्र है वह उत्तर प्रदेश के अंदर है और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इसके लिए विशेष प्रावधान किए हैं। खासतौर पर गंगा या यमुना या सरयू या रामगंगा या राप्ती जितनी भी नदियां हैं, इन सभी के दोनों तटों पर व्यापक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, और वृक्षारोपण केवल औपचारिकता नहीं बल्कि वृक्षारोपण जो सामान्य रूप से होते हैं, पीपल है, बरगद है, पाकड़ है, नीम है, या उस प्रकार के वृक्ष जो फलदार हो, जामुन है, बीजू आम है, या उस प्रकार के कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम लोगों को उसके प्रति जागरूक कर सके। किसान अगर अपने खेत में बागवानी लगाना चाहता है तो हमने उसको फ्री में पौध उपलब्ध करवाना शुरू किया। 3 वर्ष तक सरकार उसको कुछ सब्सिडी देगी। अगर वह प्राकृतिक खेती करेगा, प्राकृतिक खेती से अपने यहां उत्पादन करता है, उसके प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी हम लोगों ने कानपुर में आयोजित किया। ये सभी कार्यक्रम निरंतरता प्राप्त करते हुए आगे बढ़े और उसका परिणाम हम सबके सामने आया भी, लेकिन इसे और युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।